जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीती शाम नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने मृतका के ससुरालियों पर गंभीर आरोप के साथ साथ दहेज हत्या का भी आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। मृतका के पिता ने कोतवाली पिलखवा में तहरीर देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कल देर शाम थाना पिलखवा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गालंद निवासी एक नवविवाहिता के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। मृतका के परिजनों की ओर से दहेज मृत्यु के संबंध में एक तहरीर थाना पिलखवा पर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के गांव माचोगढ़िया निवासी रिंकी पुत्री मुनेश की शादी 8 महीने पहले जनपद हापुड़ क्षेत्र की कोतवाली पिलखवा के अंतर्गत ग्राम कालन निवासी हरिओम से हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद से ससुराल पक्ष के लोग छोटी छोटी बातों पर रिंकी के साथ झगड़ा करते थे और दहेज की मांग करते थे। मृतका के परिजनों ने बताया कि बीती शाम उन्हें मामले की जानकारी मिली। मृतका के पति मुनेश ने मृतका के पति सहित 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।